नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस के अवसर पर छतरपुर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, विधायक राजेश प्रजापति सहित कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात यह थी कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया और भारत के संविधान पर उनके विचार भी जाने गए। छतरपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इसी तरीके से हमारे देश को, जब हम देश आजाद हुआ, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने जो इतनी आहुतियां अपने जीवन की दी, इतने बलिदान दिए, उसके बाद जब हम आजाद हो गए तो हमें इस देश को चलाना था। जो समय के लोग थे इस देश को चलाने के लिए, उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए आवश्यक था कि इस देश में कुछ ऐसा लिखित में नियम कानून कायदे बनाए जाएं, जिससे कि सारे देश के लोग उसको मान करके इस देश को एक दिशा में ले जा करके आगे बढ़ाएं और तेजी से तरक्की करें। उसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के अध्यक्षता में संविधान कमेटी बनाई गई थी और संविधान उस कमेटी के द्वारा बनाया गया, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। वही संविधान के आधार पर हमारा ये देश आज लगातार आगे बढ़ रहा है। आज इस दिवस की आवश्यकता हमारे देश को क्यों हुई कि हम इसको याद कर रहे हैं? हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पर, हर जगह ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे दायित्व क्या हैं। ये सारी चीजें आप ज्यादातर जगह सोचते हैं कि मेरा संविधान में ये अधिकार है, परंतु संविधान में आपके दायित्व भी दिए हुए हैं, मौलिक दायित्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। आज संविधान दिवस है। मैं संविधान दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले हमारा देश परतंत्र था और हमारे देश के में आज़ादी दिलाने के लिए जिन वीर सपूतों ने शहादत दी, अपना बलिदान दिया, और इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उनने ये संविधान बनाया। बड़ी खुशी की बात ये भी है कि छतरपुर से भी एक सदस्य शामिल हुए संविधान कमेटी में, टीकमगढ़ के भी सदस्य शामिल हुए। तो आज मैं यही कहूँगी, इस संविधान के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं। हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या दायित्व हैं देश के प्रति, ये सब हमको सिखाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि हम इस संविधान को का अध्ययन करके इसके पद चिन्हों पर चलें, जो हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाया है, तो देश के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।